अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म सेल्फी के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में अपनी नागरिकता के बारे में बात की। अक्षय कुमार का कहना है कि भारत उनके लिए सब कुछ है और वो पहले ही पासपोर्ट में बदलाव के लिए आवेदन कर चुके हैं। अक्षय हमेशा अपनी कनाडा की नागरिकता की वजह से लोगों के निशाने पर रहते हैं। उनकी कनाडा की नागरिकता हमेशा लोगों के बीच बहस का विषय बनी रहती है। अक्षय ने 3 साल पहले अपने फैंस से वादा किया था कि वो जल्द ही इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने स्वरा भास्कर की शादी पर बातों बातों में कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि स्वरा को शादी करने से पहले एक बार फ्रिज देख लेना चाहिए था। साध्वी ने कहा कि श्रद्धा वॉकर के साथ जो हुआ है वो स्वरा के साथ भी हो सकता है। अब इस स्टेटमेंट पर स्वरा का रिएक्शन आया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट को रीशेयर किया है जिसमें साध्वी के बयान की आलोचना करते हुए लिखा था कि नफरत पर हमेशा मोहब्बत की जाती है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से जावेद अख्तर को सम्मानित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम राइटर ने पाकिस्तान में वह किया जो पीएम मोदी और उनके अंधभक्त नहीं कर सके। दरअसल जावेद अख्तर ने लाहौर में खुले मंच से पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने फैज फेस्टिवल में कहा था कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस ने हाल ही में बॉलीवुड डे सेलिब्रेट किया है। इस फंक्शन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स बॉलीवुड सितारों के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स बॉलीवुड के अलग अलग अवतार में दिखाई दिए।